दुनिया में जे आइल बा ओके जाए के बा, लेकिन यहाँ संतोष होए के चाही। जितना बा हमार उतने में खुश होला के काम बा। ये दुनिया में न कोई कुछ लेके आइल बा, न कोई कुछ लेके जा सकेला, लेकिन धन दौलत के लिए आदमी आखिर काहे बदे जान दे उतारू हो जाने एक दूसरे के। कभी जी भूमिका के अंदर लिखला न कैसे मास्टर, समय चक्र चलता निरंतर जगत में, समय चक्र को सब कहे होनहारी, दौलत की लालच में इंसान पागल, लहू है बहाता जबर जंग जारी, शासन प्रशासन भूले फर्ज को सब, किसी की सुरक्षित नहीं जिंदगानी, रुद्रपुर फतेहपुर देवरिया का कांड सुन, भर आता है सबकी आंखों में पानी। रुद्रपुर फतेहपुर देवरिया का कांड सुन, भर आता है सबकी आंखों में पानी। आखिर नगर के अंदर इतना दुश्मना कहां से आ गई? ये चार दिन की जिंदगी बाप फिर जिंदगी मिली कि ना मिली? ये दुनिया में बना बनौला के काम बा। चल गई के बाद लोग हाय हाय करे के चल गई, कितना सुना लगत बा। यही लिए गजल में कभी जी लिखला न कैसे मास्टर, गजल के लाइन बा, नया गजल बा कैसे ही? ये दर्द तूने दिया है, ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं, यही वफा का सिला है, यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। लेकिन बिरहा में कबीर जी कितना सुंदर लाइन लिखले बड़े, कैसे मास्टर? ओ बहाना मौत है करे,
अरे बहाना मौत है करे जो इंतजार नहीं। जब सच्चाई का बा नजम से कहे पर कैसे माफ कर छोड़कर लोग जब तक लोग कोई जाता कहे के पड़ल ज्ञान प्रकाश दूते मन बुद्धि ज्ञान नगी हुई शादी नहीं घर में कोई सम्मान नगी मगर ना बीगा उनके नाम से जमीन सुगर मगर ना बीगा उनके नाम से जमीन सुगर अपने पराए लोगों पर गड़ी नजर कहानी कैसन बाए भैया कहानी कैसन बा हमरी देवरिया जिला में रुद्रपुर कोतवाली बा वही रुद्रपुर कोतवाली के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ेला फतेहपुर फतेहपुर में दो टोला एक टोला के नाम लेहरा टोला बतावल गई और एक टोला के नाम अभयपुर बतावल गई। ए भैया लेहरा टोला में
एक जनार्दन दुबे जिनकर तीन गो बेटवा बड़न, ओम प्रकाश दुबे, सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे। समय धीरे धीरे बीतल, बड़ा बेटा ओम प्रकाश दुबे कोनो बीमारी के चलते वो ये दुनिया के छोड़ के चल गई। यहाँ तक भी सुने में आई कि उनके जहर भी देके मार दिया गई, लेकिन कोई बतावे कि मट्टी खा के लेकिन सच्चाई है कि ओम प्रकाश दुबे बीमारी के कारण मर गई। समय धीरे धीरे बीतल, अब दो भाई बच गए ज्ञान प्रकाश दुबे और सत्य प्रकाश दुबे। सत्य प्रकाश दुबे के शादी भइल जोना दुल्हन के नाम किरण देवी बतावल गई। किरण जब घर में आईली हा, समय बीतल, अब हई मालिक कुछ संतान नहीं खन देले। एक दिन किरण देवी अपने पतिदेव से एक बात कहली हा, गीत लागल गीत कैसन बा। ई देखा गीत बहुत बढ़िया बा, ई हो गीत नया बा। कोनो मेहरारू अपने पति के याद में रोवत रोवत कलश की ए बदला जा हमरे सैया के खबर लेके आवा, हमके हाल खबर नहीं खे मिले, अपन दुख कहत बा कैसे। गईले परदेसवाना, अरे भेजला सने के खबरिया आई हो ये बदला बड़े बलम को नाल में के खबरिया बहुत लोग ये कांड के गोले बा, कुछ सच्चाई मालूम नहीं थे लेकिन गाये वाले गा देले बड़ो। लेकिन हमारी घर से मात्र 12 किलोमीटर दूर उजन फतेहपुर बतावल जला, वो हम सच्चाई को आप लोगों के दे चल पानी। आखिर कैसे कैसे का भाई कहे के पड़ल, किरण किरण दुबे अपने पति देव से एक बात कहलिए रोक बन कहलिए का। किरण से जारी आपन परिसल पतरी नजरिया से दूर हो तो जन्म समय बीतल धीरे धीरे वो परिवार में सत्य प्रकाश दुबे के मेहरारू के किरण देवी के तीन गो बिटिया तीन गो बेटवा पैदा भइल। नाम का रखाई कहे के प्रेम सोभिता सलोनी जन्मी नंदनी भावनावा नवा
के हुए के बाद भी के हुए के नादी बाबा दिस के खबरिया नजरिया से तू हो ए भैया तीन को बचवा तीन को पिटिया बाड़ी तीन को बेटवा तीन को बिटिया नाम बा बिटियन के शोभिता सलोनी और नंदनी बचवन के नाम रखाई दिवेश दीपेश उर्फ गांधी और छोटका के नाम अनमोल बा गांधी ए लिए ओकर नाम पड़ल 2 अक्टूबर के ही दिन ओकर जन्म भइल रहे ओकर जन्म दिन रहे अब धीरे धीरे समय बीते लागल परिवार में बड़ी सुख शांति बा लेकिन जोन ज्ञान प्रकाश दुबे बारन उनकर शादी नहीं के भइल तन मंद बुद्धि के बारन लेकिन उनके लोग साधु साधु लोग कहि के बुलावे उनके लोग साधु साधु कहि के लोग बुलावे गांव जवार के लोग कहे का हो साधु जी अरे बियाह ना कइला 9 बीघा जमीन बा आखिर का करबो बियाह कर आ यहां सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के लोग वो ज्ञान प्रकाश दुबे के बड़ी हल्का में लोग ले कोनो इज्जत कोनो सम्मान लोग ना करे अब अपन ही परिवार के लोग अगर घर में इज्जत ना करे तो यहाँ बड़ी कष्ट होला बड़ी दुख होला कि आज अपन लोग प्यार नहीं करे तो गांव जवार के लोग का प्यार दे ज्ञान प्रकाश दुबे के बड़ी कष्ट बा कि हमार भाई हमार भौजाई हमार भतीजा हमें सम्मान नहीं करे कभी कभी आंख से आंसू आवे लगे कि मालिक हमार कैसे भी थी लेकिन तेरी में कहे पल कैसे माफ कर अरे पीरा नवाया अपन भाई ले मुदई अरे पीरा नवाया अपन भाई ले मुदई नीले ना खेत प्रीत से भाई वाला धाना वाला मिले ना खेत प्रीत से भाई वाला धनवा बिरनवा यापन भाईले मुदई अब ज्ञान प्रकाश दुबे आखिर करे का जात बड़न कौन की जब हमार कोनो सम्मान नहीं खे हमार कोनो यादर भाव नहीं खे ते घर में हम ना रहब कभी कभी ज्ञान प्रकाश दुबे के लोग घर से भगा दे कभी खाना मिले कभी नहीं मिले परिवार की लोग नजर से लोग देखे लेकिन वो ज्ञान प्रकाश दुबे करे काया का करी है कोई के नहीं के पता कभी जी निकला ना कैसे मास्टर चौखड़ा में रूपे कभी ना समय चक्र का कितना सुंदर लाइन बा समय सब कर आवे और समय का करी कोई नहीं खे जानत यही लिए कहे के पड़ल रुके कभी ना समय चक्र का चलता दुनिया में सदा प्रखर रंगत सब संगत से जग में श्रम से समर जीवन सुघर रंच मात्र लालच दे दिल में करता प्राणी काम वछर राज समाज में छिप नहीं संगता राज समाज में छिप नहीं संगता झरना झरता सा निर्झर क्या बात
हमारे भाई हमारी इज्जत ना करे, हमार सम्मान ना करी, हम कहां जाई। अब वो फैसला कैलन है, गांव जवार के लोग कहे बताओ कि ज्ञान प्रकाश कितने बेचारा भोला बड़ा। गांव जवार के लोग साधु साधु कह के पुकारे, लेकिन उस साधु का करिए कोई नहीं खे जानत। कभी जी गीत लिखन गीत कौन मास्टर गीत से बढ़िया भाव में कभी जी लिखन गीतिया कम बताइए दल रही, लेकिन ज्ञान प्रकाश करिए का कहे के बोल। ज्ञान प्रकाश भोले भाले गोगो, ध्यान कोई के गायल 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 गाया, आदर न उन्हीं का पर ध्यान कोई के गायल 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 गाया, घरवा में जिया राजब चरल मन पौरा हवा भयल, प्रकाश दुबे के मेहरारू किरण देवी रोज ताना देता हो कमईबा ना तो खईबा का हमने के कपार का बोझा भइल बाड़ा। अब रोज ताना सुनला के बाद कोई कई कब तक बर्दाश्त करी। अब साधु काम करे जात पण कहे के पड़ी, रोज रोज पतरस से, रोज रोज पतरस से भारी दुख हो, आप देखा उनका जियल मुश्किल हो गई रहे, कारण कि अब नार अब जाहिर कहां, अब लहरा डोला के छोड़ी के गयन अभयपुर टोला में। राम भवन यादव जी के दूगो बेटवा कोई अभयपुर टोला में, राम भवन यादव जी के दू बेटवा प्रेमचंद यादव और राम जी यादव, दोनों बेटा बड़ी सम्मानित बड़ी सज्जन जो नाम है प्रेमचंद यादव, तीन चार बार प्रधानी भी रही चुकल बाड़न, प्रधान रही चुकल ललन करी बात, जिला पंचायत के चुनाव भी जीतल ललन, पूर्व जिला पंचायत ललन, प्रॉपर्टी डीलर के भी काम करे। अब समय बीते लागल सम्मानित व्यक्ति जेरी द्वार पे आए बड़ी सम्मान स्वागत होए। अब पंडित जी भी दुबे जी भी गैलन है, सत्य प्रकाश दुबे जी गैलन है, प्रेमचंद यादव के यहाँ तो भैल का कहे के पड़ल। प्रेमचंद यादव यहाँ गैल या भैटोला, नीलल सम्मान वोगा धारो हार धायल 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 धाया, सपान गोगा भारो भार धायल 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 धाया, घरवा में जिया राजब जरल मन पौरा हवा भयल, ज्ञान प्रकाश दुबे प्रेमचंद यादव के घरे गइलन ह, बड़ी स्नेह प्यार दिलाल मिलल, लोग नेता जी कहि के बुलावे प्रेमचंद यादव जी के। अभी गइलन
ज्ञान प्रकाश दुबे जी करन के ए नेताजी हम आपके घरे रहब, हम आपके घरे रहब, हमके अच्छा लगत बा आपके यहां। कई दिन आइला जाइला लेकिन अब हम यहां रहले के मूड बनवले बानी। प्रेमचंद यादव करन के गुरु जी वैसे आप हमार गुरु सम्मान बानी, आप घर के एक सदस्य बानी, आप हमारी घरे रही तो हमके आपत्ति नहीं खे। अब धीरे धीरे समय बीतल परिवार के साथ एकदम घुल मिल गईलन। एक दिन हुए ज्ञान प्रकाश दुबे कलन की ए प्रेमचंद भैया हमार 9 बीघा जमीन बा ओके ले लेते तो ठीक रहे। प्रेमचंद यादव जी हंसे लगन करे भैया ए गुरु जी अरे आपका भाई बाड़न सत्य प्रकाश दुबे भैया अरे उन्हीं के जमीनिया दे दही भाई न हवा कलन की नाही जमीनिया आप ले ले कलन की ऐसे ना अपने भैया को बुला दही और सामने बातचीत हो जाई ओकरी बाद हम जमीन ले हम उ कहो कि नाही हमार जमीन भैया तू ले लो आ हम एकदम आजाद से रहल चाहत बनी। उ ज्ञान प्रकाश दुबे साधु कलन का गीत लागल गीत कवन बा कौनो ये देखा ये नया गीत बा कौनो मेहरारू अपनी मरद के शिकायत कर खाली ये आर्केस्ट्रा जहां आ जाला इका ई जो या उया पहुंच के ही हो वे कमा करे ल कोई मंचे पे चढ़ के नाचे ल उ मेहरारूआ अपने अगल बगल के लोगन से कहत बा कह देकर अब रहन हमके नीक नहीं के लागे कहत कैसे हाय बनल नचनिया ला हाय बनल नचनिया मौगा मरद हाय बनल नचनिया मौगा मरद हाय बनल नचनिया मौगा मरद साड़ी पहने न धुनिया मौगा मरद अब उ ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु जी प्रेमचंद यादव जी से कलन है का कलन मोर लेला जमीनिया नेताजी हो मोर लेला जमीनिया नेताजी हो मोर लेला जमीनिया नेताजी हो हम तोहरी शरणिया नेताजी हो भैया बुलवावा सत्य प्रकाश दुबे जी के। एक दिन सत्य प्रकाश दुबे रास्ता में मिल गईलन प्रेमचंद यादव जी से और सत्य प्रकाश दुबे बात होखे लागल। प्रेमचंद यादव जी कहलन कि भैया कुछ जलना हुआ अरे हम अपन बानी तो बता देनी है देखिए कि दूसरे के ना दे दो हम अपन बानी तो बता देनी ऊ तुहार छोटका भाईया ने धुआ का कलन हमसे कलन का तब बतौल न कैसे प्रेम चंद याद सब प्रकाश से बतावले भाई तुहार खेत बेचे बात समझावले भैया आपका भाई साधु हमें जमीनिया देवे के कहत बाड़न कलन की भैया हमार 9 बीघा जमीन ले लो तो सत्य प्रकाश दुबे कलन के नेता जी देखी आप में हमें बहुत बनेला आप में हमें बहुत बनेला एरिया के कोनो आपत्ति नहीं के आप हमारे बारे अगर हमार भाई देतवन जमीन ले हमके कोनो आपत्ति नहीं के कलन नेता हम के ना गलनिया नेताजी हो हम के ना गलनिया नेताजी हो मोर लेला जमीनिया नेताजी हो अब
कोनो जोर जबरदस्ती ना कोई कई प्रेमचंद यादव सत्य प्रकाश दुबे से मिलके जाके कोई साधु के ले गईलन और बड़ी खुशी खुशी अपने छोट भाई राम जी यादव के नाम से जमीन बैनामा कर लेलन। समय बीतल अब एकरी बात का कुछ नहीं है कोई के मालूम। अब जब जमीन प्रेमचंद यादव के भाई राम जी यादव के नाम से जमीन हो गई तो अब सत्य प्रकाश दुबे करण की देखा हमार भाई मेरे संग इतना बड़ा गद्दारी कैलस इतना बड़ा गद्दारी कैलस कि 9 बीघा जमीन उ प्रेमचंद यादव के भाई के नामे कर देलस। आखिर हम अपन बानी हमके नहीं देलस। कल तक तो कहत रहन कि भैया आपके कोनो आपत्ति नहीं खे आ जब बैनामा हो गए तब आपत्ति हो गई। अब जाके एप्लीकेशन देलन थाने में कि फर्जी रजिस्ट्री भइल बा। अब जे सही करो लबो के फर्जी कैसे बने एहलिए कभी जी विदेशिया में लिखला न कैसे तो 2014 में खेत पे नामा लिखले राम जी आदि प्रेमा चंद के पीरा नवा कई महाबाद सत्य प्रकाश मुकदमा कईले फर्जी बनामा के देखे सूचनवा। प्रेमचंद यादव जी के खबर मिलल कि देखो सत्य प्रकाश भैया के अगर हमसे आपत्ति रहल तो काहे करन कि तू जमीन ले लो। अब घूम घूम लोगन से कह देखा रहा भैया हम उन लोगन के इरादा से लोगन की मर्जी से जमीन लेनी अब हम दोषी भी हो गए। गांव जवार के लोग कहे कोनो जोर जबरदस्ती नहीं कइलो काहे तो सत्य प्रकाश दुबे कइलन ह ताकि होए का होखे जात बा कहे के पड़ल। फैसला भयल न कोनो अरे दुश्मनी बढ़त गईली 2023 आइल 2 अक्टूबर दीनवा। अब दुश्मनी इतना बढ़ गई जन समय यादव जी में प्रेमचंद यादव जी में और दुबे जी में बड़ी प्रेम रहे अब एक दिन ऐसा आ गई कि एकदम एक दूसरे के लोग देखल नहीं चाहत बा। समय बीतल 2 अक्टूबर 2023 जब 2 अक्टूबर बीतल सुबह करीब 6 बजे बारिश भी होत रहे वो समय 2 अक्टूबर के दिन बारिश भी होत रहे सुबह 6 बजे करीब कोई के फोन गई प्रेमचंद यादव के पास। अब फोनवा में कलन खबर का मिलल कहे के पड़ल नेता प्रेमचंद का अरे सूचना मिलल कहीं से सागवन के पेड़ गिरल खेत दरनवा। करीब 6 बजे प्रेमचंद यादव जी के मोबाइल पर फोन गई अब रिमझिम रिमझिम बारिश होत बा फोन गई ले भैया तुरी खेतवा में सागवन का पेड़ गिर गई बा। ओ समय प्रेमचंद यादव की पत्नी अपने परिवार के लोगन खातिर सुबह में चाय बनौली ह चाय देवे जात बड़ी तब तक कलन की चायवा रखा अबे आवत बनी खेतवा में सागवन के पेड़ गिर गई बा। पगड़ी बनलन गाड़ी लेके मोटरसाइकिल लेके चलन ह ई चल के देख आई। अब चलन तबहिल का कहि पर गीत लागल गीत कैसन बा बा ई देखो हमरे जन्म के पहले कई गीत बा लेकिन कबो ही नया रही नया पुरान हो जाई लेकिन कबो पुरान नहीं होई गावे कैसे बात सर। अरे गोरे हो के गईला मेरा रु अपने मरे से कहे कि तू जब
पहिला घर से तक गोरा रह। अब का देर पोजीशन बा तू कहत बा। अरे गोरो हो के कहिला लवंडी के आइला करिया नौकरिया पिया छोड़ी द। अरे नौकरिया पिया छोड़ी द जनी जाए कोई लरिया नौकरिया पिया छोड़ी द। व्यवहार कितना बढ़िया बा उस सामाजिक व्यक्ति इस सुबह ये गाड़ी लेके चलन भाई का कहे पड़ल चल भाई ने मोटरसाइकिल से अरे बांधी के पकड़िया फिक्रिया उठे दिल में। अरे फिक्रिया उठे दिल में नेता के नेता गिरिया फिक्रिया उठे दिल में। गाड़ी अपन खड़ा कैलन है। देखो अगर उनके अंदर तनिको दुश्मनी रही तो कोई के दरवाजे अगर एक घर से दुश्मनी रही द्वारे पर गाड़ी खड़ा नहीं करतन। बड़ी भाव से बड़ी सम्मान से गाड़ी रखलन कि गाड़िया यही जा रही हम जाके देख लेंगे कहे के पड़ल। अरे गाड़ी खड़ी कैले रोड पटरी पर भी आवाजी संबंध में रहल दूध के भंगना। अरे गाली गलौज कैले गाली गलौज कैले दूध जी बनिया नरिया फिक्रिया उठे दिल में। अरे नेता के नेता गिरिया फिक्रिया उठे दिल में। अब सत्य प्रकाश दुबे जी के द्वार पर मतलब रोड बा वही रोड पर गाड़ी खड़ा कैलन सामने उ दुबे जी के मकान बा। दुबे जी अपने मेहरारू सन देखलू हो ए देखा एक बार ए देखा ई सवेरे में सवेरे मन के जरावे आई है। अब प्रेमचंद यादव जी कहीं नखे मालूम उनके अंदर कोनो दिल में कोनो पाप तकलीफ नहीं खे लेकिन दुबे जी कहलन कि देखा ही निकल। दुबे जी कहलन कहे यादव जी आ नाना जी सुना कहन की भैया बड़ा गुस्साई लुवा कहलन कि गड़िया हटा लो कहन की काहे भैया रोडवा न हमरे बा न यापे के बा आ गड़िया यहीं जीवन भरना रही अबे 5 मिनट पे लेके हम चल जाई कल की नहीं तू अबे लेके जा देखा जा बात यहीं से बिगड़त बा कल की तू हटावा गाड़ी। अब तेस में आके मत आवे काम की भैया देखो अरे मर्दवा सवेरे सवेरे ना करे चाहिए अबे गड़िया मटा दे पर खेतवा देखी आई। अब बर्दाश्त कभी एगो सीमा होवे प्रेमचंद यादव कलन कि तू के अपन तो लोगन के अपन समझिला और हमेशा तू जब भी हमार जब खेत कटाए खोला जब भी खेत कटाए के बारी होला तो कभी आग लगाई बात कभी ताना दे बात कभी ये कुल अच्छा काम नहीं है बर्दाश्त कहला कभी एक सीमा होला। अब प्रेमचंद यादव कहले न गीत लागल गीत कैसन बा। अब दुबे जी में और प्रेमचंद यादव में गाली गलौज भी होए लागल हाथा बाई होखे लागल।
अब देखो कोई के बर्दाश्त जब बाहर हो जाए तो कुछ करे के पड़ी। आखिर प्रेमचंद यादव कहले का कहे के पड़ल, अरे मारे तमाचा तू बेची को नेता, अरे देख कर के भारी चुनौती हो, रोडवा बाटे ना कोई के, अरे रोडवा बाटे ना कोई के, अरे पपौती हो रोडवा बाटे ना। अभी लगल तैस में लोग बतियावे हाथा बाई होए लगल, गाली गलौज होए लगल, अब का होखे वाला बा कोई नहीं खे जानत, तनिक में आखिर हो कागल कहे के पड़ल। हसुआल दुबे जी के पूरा परिवार हो, अलग अलग करे प्रेम चंद बेवार हो, रोडवा बाटे ना कोई के, अरे पपौती हो रोडवा बाटे ना कोई के। प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश यादव में गाली गलौज होवे लागल, अब हाथापाई होखे लागल, अब कोई से जब बर्दाश्त ना होई तो खींच के एक झापड़ मार देलन, कल की देखा हमेशा तो हमार बात बर्दाश्त ना होला, ई कोनो तरीका होला, अरे यही खेत देखे बे चल जाई तो हमर गड़िया तो घर वाले के ना जाई। अब या तो जी अकेले बाड़न नेता जी और दुबे जी के परिवार के लोग आखिर जबर ना करे के, वो लोग कहिलन परिवार के लोग हसुआ लेके आई और प्रेम से ब्याह तो परिवार परिवार लोग लगल करे ऐसा जगह हसुआ सिवार लोग कहिल कि तड़प तड़प के वही से प्रेमचंद यादव तम के तोड़ देलन। वही सबेरवे 6 बजे करीब कोई दतुवन तोड़े आई, देखलन कलन करे ई त प्रेमचंद भैया बड़न, ई प्रेमचंद भैया पढ़ल बड़न, आखिर का हो गई दौड़ गेलन देखलन, अब प्रेमचंद ये दुनिया में नहींखन, अब गनगन गनगन कांपिल रही, बाप रे बाप आखिर प्रेमचंद यादव का हो का गई। और दुबे जी के परिवार के लोग अब सोचे लागल करी बाप रे कहां भागी जा, आखिर हमन से हो का गई, अब बचे को उपाय लोग खोजत बा, अब जे सुनी त का करी, अब सुनी त का करी, फोन कइलन प्रेमचंद यादव के परिवार में फोन गइल कि आओ भैया प्रेमचंद भैया के लेके जाल, और प्रेमचंद भैया दुनिया में नहींखन। अब जे सुनो तो गांव में वही अब है पूरा टोला में हंगामा होगल करी, बाप रे बाप प्रेमचंद भैया दुनिया में नहीं खन, काओ जवान लोग टूट के आई, ओ में खाली यादव बिरादरी के लोग ना ही रहे, राजभर ओहू में दुबे जी लोग रहे, राजभर यादव पाल भर जे भी लोग मने जितना बिरादर में रहन टोला में सब लोग आई, आ जे भी आई हाथवा में लाठी डंडा लेके आई कि हमरे नेता जी के हो का गई, तो कहे पर कैसे मास्टर अब का होखे वाला बा, अरे भाई ले मारा नवा वोगी, अरे भाई ले मारा नवा जबकि पावले सुचनवा आगी रनवा जूतल आगी रनवा जूतल बाम आगी धूप के भवनवा आगी रनवा Thank you.
कोलो गाल रोवत मारी बाप हम नेता जी दुनिया नेखे कोई चिल्ला बा कोई रोवत बा आ कोई कइलन का। अब दुबे जी के परिवार के लोग देखल तो वहां के माहौल कैसन बा कहे के पर मास्टर आप उ माहौल देख के उछुनुम देख के दुबे जी के परिवार के लोग अवाक बा कि अब कहां जाई जा लोग कापत बा भाव कभी जी निकलन कैसे ही जिए के ललसा केकर ना होला। जब सामने मौत आवत बा तो एक बार डर भय तो होइए जाला कि सामने हमर मौत आवत बा कहे के पड़ल सांप ये अगर वो कर मांगे नागी उपैया लागे आफत में जनवा आफत में जनवा कैसे के परनवा आज बात नहीं हो रहा सबे हर वार भागत बा कि जान कैसे बची। ओ समय जवन दीपेश जो लड़का रहल पंडित जी के दुबे जी के वो ओहि दिन 2 अक्टूबर के दिन ई सुने के मिलल दीपेश दुबे उपलिया गइल रहल ओहि 6 बजे मीडिया पेपर पत्रिका द्वारा सुने के मिलल कि कथा वथा चाहे पितृ विसर्जन के लिए बलिया गई। जब माहौल दोनों बचवा जब देखलन कि गांव के लोग आके मेरे पापा के मेरे मम्मी के मेरे दोनों बहनिया के मार देलन एगो कमरा में दोनों बंद रहलन उ फोन लगौलन अपने अपने भैया के पास फोन लगौलन कलन हता गांधी अपने भैया के पास फोन करेस देवेश के पास फोन करेस कि भैया तू जल्दी आवा जहां बड़ा आवा जल्दी माई बाबू के लोग मार दिहल और दोनों बहनिया के भी लोग मार दिहल फोनवा में कलन पापड़ से कहे पर कैसे मास्टर अरे बात तो को भैया नहीं ला दो भैया हमारे भैया हो अलागे जन्म दिनवाया जमुदैया हमारे भैया हो उ
जॉन गांधी अनमोल रलन ने फोनवा से बतियोलन अपने भैया के पास टिपेश के पास फोन कइलन। अब उननो कुल के कोई बक्से वाले नहीं थे, लोग आई वार वार होत बा। जोन गांधी रहे उ तो दुनिया के छोड़ के चल देलस, जोन अनमोल बा उ अभी जिंदा रहे। अब पुलिस प्रशासन के लोग भी आई, शासन प्रशासन के लोग आई, अनमोल अभी जिंदा बा। लेके लोग भागल देवरिया से रिफर गइल, लेके लोग भागल गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, ओकर अभी भी इलाज चलत बा। लेकिन देखो जाए के सबके बा ये दुनिया के छोड़ के। अब हमार शासन प्रशासन से एगो कलाकार होइला के नाते हमार निवेदन बा कि लापरवाही ई और कोई के नहीं, लापरवाही शासन और प्रशासन के बा। एहिलिए आल्हा में कवि जी फलन ह कि में कोई के एक तरफा ना करे के चाहिए। नुकसान तो दोनों परिवार के ना भइल बा, नुकसान दोनों परिवार का हुआ है। यही लिए जोन जो मिल रहे हो दोनों परिवार के हक में हो। आल हमें कहे पर कैसे अरे आना और जाना है नियम कूद रंग के भैया, अरे दोनों के लगावन के, अरे दोनों के लगावा भगवान खुनवा, मातम मा दोनों भावनावा माने ना मनावा। परिवार का हुआ है और एक तरफा फैसला कोई जा अन्याय हो। इसलिए कभी निकल ने कैसे एक तरफ कानून का डंडा चली होई अन्याय, पहला गलती करने वाला भारी दोषी बाए, न्याय कैसे ती ससनवा माने न मनवा, मातम मा दूनो भवनवा एक तरफा फैसला ना होवे के चाहिए। ये हमार शासन प्रशासन निवेदन बा, आप लोगों से निवेदन बा कि ऐसा फैसला हो कि दोनों परिवार के हक में होए, नुकसान दोनों परिवार के भइल बा। यही लिए कभी जी निकलन कैसे और सबसे बड़ा गुनहगार के बा, सबसे बड़ा दोषी के कहल जाई। कभी जी कितना सुंदर लाइन निकलन कैसे मास्टर, सबसे बड़ा दुश्मन जग में अपना अहंकार, ये सबसे बड़ा दुश्मन भाई की मना लिहल जाई तो सब कुछ सुधर जाई, सब सम्मान्य हो जाई, जिंदगी एकदम जीन आसान हो जाई। यही लिए कहे के पड़ल सबसे बड़ा है दुश्मन जग में अपना अहंकार, अहंकार को मारो यारो होगा स्वप्न साकार, लागल माया के बंधनवा माने न मनवा,
माता पादू नो भावना माने न मना यह सच्चाई है। और जो भी हो सोच समझ के हो, जो भी फैसला दिहल जाए सोच समझ के दिहल जाए। आखिरी भाव का एक पल कैसे हरि अनंत हरि कथा अनंत कहा गए गुरु बिहारी कभी न अपनी कलम से सींचे अरे कविता की फुलवारी अरे बिरना या अपन भाई ले मुदई सरोजन रामा कभी का नया नया तार